यूक्रेन में रह रहे भारतीयों के लिए नई एडवाइजरी जारी की गई है। रूसी हमले को बढ़ता देख भारत ने नई एडवाइजरी जारी की है और भारतीयों से तुरंत यूक्रेन छोड़ने की अपील की गई है। चीन तुर्की ने भी अपने लोगों से कीव को खाली करने के आदेश दिए हैं। देखिए क्रीमिया पर अटैक के बाद लगातार कीव को जो कि यूक्रेन की राजधानी है उसे टारगेट किया जा रहा है और इसीलिए भारतीय दूतावास भी लगातार उन लोगों के संपर्क में है, उन भारतीयों के संपर्क में है जो यूक्रेन में फंसे हुए, उन्हें कहा जा रहा है फौरन यूक्रेन छोड़ दे। और अब आपको ये बताते हैं कि अचानक भारतीय दूतावास की तरफ से ये एडवाइजरी क्यों जारी की गई है। बिग वॉल पर, इंफॉर्मेशन वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। वजह जाहिर है, नई एडवाइजरी इसलिए जारी की गई है क्योंकि रूस के ताबड़तोड़ हमले के बाद भारत अब उन लोगों के लिए चिंतित है जो कि अभी भी फंसे हुए यूक्रेन में, जो भारतीय रह रहे हैं, इसीलिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। रूसी हमले में हो रही है आम नागरिकों की मौत, रिहायशी इलाकों को भी अब टारगेट किया जा रहा है जिसमें बेकसूर लोगों की जान जा रही है। पिछले कुछ दिनों में रूस ने कीव समेत कई शहरों में हमले और ज्यादा अग्रेसिवली बढ़ा दिए हैं, तेज कर दिए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध अब निर्णायक दौर में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए भारतीय दूतावास भी चिंतित है यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों के लिए। कई शहरों को वापस पाने के लिए जबरदस्त पलटवार कर रहा है यूक्रेन। चार इलाके, डोनबास, लुहांस्क के और भी दो इलाके जिस पर रूस ने अपने कब्जे की बात की थी और वहां पर हमले तेज हो गए। यूक्रेन में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के चलते भारत ने यह फैसला लिया है और भारत इस एडवाइजरी में उन बॉर्डर्स के बारे में भी बता रहा है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को कि ये सेफ बॉर्डर्स है, यहां से आप निकल सकते हैं।